जनी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर देखें। और अंडर वाटर फिशिंग जो टनल बना हुआ है बीकानेर के अंदर पहली बार, उसके नज़ारे लें और अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। नकल बॉल डाला था ये तो शेयर से एयरबॉल, और ये जर्नी सुमित गिरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ इस ब्लॉग में देख रहे हो बीकानेर की यात्रा, और इसमें आप देखोगे यहाँ बीकानेर में पहली बार फिश टनल का जो मेला लगा हुआ है और विदेशी मेले का ये आयोजन है उसके नज़ारे। और उससे पहले हम शनि मंदिर में जाकर के आए, पब्लिक पार्क में पुराना ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है उसमें हम दर्शन करके आए। शनिवार का समय है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेले के आयोजन का आनंद लीजिए। ₹100 की टिकट से एंट्री जाते टनल के। यहाँ पर सर्कस भी लगी हुई है, ₹200 ₹300 टिकट काउंटर है अलग अलग। तीन शो है, 4, 6 और 8 बजे का। ग्रेट भारत सर्कस, कल यहाँ देखने के लिए आएंगे इस फिश टनल को। नया एडवेंचर देखने को मिलेगा इस बीकानेर की लोकेशन के ऊपर, तो आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। फंसी भी जल्दी खेल गए, और ये विकेट बॉल, ये भी नकल बॉल था, विस्किट कर गई और सीधा यश नायर के हाथ में। अगर पेस होती तो फिर चला जाता फाइनल के ऊपर से, बट एंड्रू रसल के अगेंस्ट वो प्लान बना के आए वो फील्डर। अंडर वाटर फिश टनल टिकट, अलग अलग किस्में दिखाई जा रही है। बीकानेर में अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, अंडर वाटर टनल जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ हैं उसको प्रदर्शनी के रूप में यहाँ दिखाया जा रहा है। आप हमारे साथ उसका इस वीडियो के माध्यम से लुत्फ़ उठा रहे हो।
ये देख बड़ी मछलियाँ। Jadugar Show. Jadugar Show. इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाए। आप लोग ऐसे ही घर पर करते, थोड़ा जो दो फूफी रहते वो काट कर सकते। अब इसके बाद एक मंत्र बोलता हूँ, देखिए अपने घर में कभी भी रस्सी काट जाएगा ना, बोलेगा आ कुछ मा कुछ पा कुछ, देखेगा तो सब ठीक जोड़ ले जाएगा। ठीक है, अरे उसी ठीक से पाकर के नहीं है क्या, देखिए तुम क्या करने के लिए देखो, ठीक है कि नहीं चेक करो, ठीक है थैंक्स। हाँ जो बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेले का आयोजन चल रहा है और उसमें फिश टनल और विभिन्न जो विदेशी प्रकार के झूले और जादूगर का मैजिक शो भी यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपको भी अगर मौका मिले तो सतुल क्लब मैदान के अंदर आप इस मेले के आयोजन में जा कर के और 100 रुपये की टिकट लेकर के और इसका भरपूर आनंद ले सकते हो। और इसका समय शाम को 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक का रहता है। अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। Thank you.
में मेरी रुमाली ले करके और उससे भी जादू दिखलाया गया, तो आप देख सकते हैं। बीकानेर के जादू क्लब मैदान के अंदर ये शानदार मेले का आयोजन हो रहा है और अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न देश झूले भी लगे हुए हैं और जादूगर मोदी आई के द्वारा कुछ शानदार जादू का जो कार्यक्रम है वो दिखाया जा रहा है। रोजाना ये 4 से 10 बजे तक शाम को मेले का जो ओपनिंग होती है उसमें आप विभिन्न प्रकार के इंजॉयफुल मोमेंट को देख करके आ सकते हो। अंडर वाटर फिशिंग और विदेशी झूले तथा जादू शो और विभिन्न गतिविधियाँ और खाने पीने के आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप जब भी मौका मिले तो उसे यहाँ पर जा रहे हैं और ये 12 अप्रैल से बीकानेर के सभी कला मैदान में चल रहा है। दोनों दो साइड में अलग अलग, आप लोग सब देख रहे हैं ना, इधर बॉटल और उधर ग्लास। Thank you.
वेरी वेरी थैंक्स ऑडियंस, इसी के साथ हमारा खेल समाप्त हुआ, नमस्ते। क्लोज, हाँ जी क्लोज हो चुका है। जर्नी सुमित गिर यूट्यूब के इस पार्ट में आपने देखा अंडर वाटर फिश टनल और साधुल क्लब मैदान में लगे हुए इस मेले के आयोजन में वहाँ पर अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। अंडर वाटर फिश टनल सर्कस लगी हुई है और विदेशी मेले का यहाँ आयोजन हुआ है, विदेशी झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से उन पलों को एंजॉय किया और साथ में जादूगर का शो भी आपने देखा। तो आपको जो भी विचार और कमेंट्स जो है वो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और कमेंट से हमें इस चैनल में भरपूर सहायता प्रदान मिलती है और हमें ग्रोथ करने में भी मदद मिलती है। आपके कमेंट से हमें नए नए आइडियाज़ और विचार उपलब्ध होते हैं, जिससे हम अपने इस कॉन्टैक्ट को और शानदार तरीके से बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और इस अद्भुत सफ़र का आप आनंद लेते रहें। ज़िंदगी एक सफ़र है और हमें इस सफ़र में नित नए पड़ाव प्राप्त करते रहना है। ज़िंदगी हंसतों का मेला है और रोतों का झमेला है, तो यहाँ पर जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूँ समझ लो वह ज़बरदस्ती जिंदा है। तो इस मस्ती भरे माहौल में हमें निरंतर नए अनुभवों को प्राप्त करते हुए अपने सफ़र को इन्जॉयपूर्ण जीवन में जीना है। तो आप ऐसे ही सफ़र को जीते रहें और इन्जॉय करते रहें और चैनल्स पर ब्लॉग देखते रहें।